ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम तस्यमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीहुतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं श्री गुरु पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के आठवें अध्याय का 17वां श्लोक ले रहे हैं। ब्रह्मा के दिन और रात का बताया है भगवान का। ब्रह्मा का दिन और रात कितना होता है? सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्राम् ते अहो रात्रविदो जनः। सहस्त्र युग पर्यंत अह यत ब्रह्मणः विदु रात्रि में युग सहस्रांते अहो रात्र विदा जना। ब्रह्मणा यानी ब्रह्मा का, यत यानी जो, अह यानी एक दिन है, सहस्त्र युग पर्यंत 1000 बार चारों युग जब बीत जाते हैं, यानी चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, उस अवधि में भगवान ब्रह्मा का सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का एक दिन होता है। और रात्रि भी ब्रह्मा की यही 1000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा की एक रात होती है। यत यानी जो, विदु यानी तत्व से इस बात को जानते हैं, ते यानी वे, जना यानी योगी जन, अहो रात्र यानी काल के तत्व को जानने वाले हैं। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और ब्रह्मा की जो एक रात्रि है वह भी 1000 चतुर्युगी अवधि वाली है। जो पुरुष तत्व से इसको जानते हैं वो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं के, अब आपको बात समझ में आएगी, अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है। इसमें एक एक आकाश गंगा में अनंत अनंत ब्रह्मांड है जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो भगवान सतगुरु जो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा हैं, वो इस तत्व को, समय के तत्व को जानने वाले हैं। वो समय के पार हैं, वो काल के अतीत हैं, वो काल से बाहर हैं, वो महाकाल के भी महाकाल हैं, कालों के भी काल हैं, टाइम के भी टाइम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि 1000
बार अगर चार चौकड़ी एक चौकड़ी युग गुजरता है, यानी एक बार कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये चार युग होते हैं। इन चार युगों को 1000 बार गुजरना पड़ता है। अगर कागज पेन हो तो उठा लेना, इस संसार में 432,000 वर्ष का सतयुग होता है। 432,000 वर्ष का इसमें सतयुग होता है, और उससे दुगना 864,000 वर्ष का द्वापर होता है, और उससे उससे आगे 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है। और 17,28,000 वर्ष का मैं जो है त्रेता, हाँ 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इस प्रकार एक बार जब चार युग गुजरते हैं तो 1000 चौकड़ी युग का मतलब होता है 4,32,00,000 वर्ष। 4,32,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 4,32,00,000 वर्ष की ब्रह्मा की एक रात होती है। इस तरह से 8,64,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का 24 घंटा यानी एक दिवस होता है, और ब्रह्मा इस तरह से 100 साल तक जीते हैं। तो 24 यानी इस प्रकार से 8,64,00,000 वर्ष का आप गुणा करें ब्रह्मा के वर्ष, 8,64,00,000 वर्ष का गुणा करें ब्रह्मा के एक वर्ष में, वो एक वर्ष 365 दिन का वहां नहीं होता, ज्यादा का होता है। अभी आप बृहस्पति पे चले जाओ तो वहां का वर्ष अलग है, अगर आप शनि पे चले जाओ तो वहां शनि लोक का वर्ष अलग है, इसी तरह से स्वर्ग लोक का वर्ष अलग है और ब्रह्म लोक का वर्ष अलग है। इतना जब गुणा किया जाए उसमें से 100 में, अब 100 वर्ष तक जीते हैं तो एक वर्ष में जब एक दिन में 8,64,00,000 वर्ष पृथ्वी के होते हैं तो वहां एक वर्ष में कितने खरबों वर्ष होंगे, और ऐसे 100 वर्ष में कितने खरबों वर्ष होंगे, इतना समय ब्रह्मा की आयु का होता है, और वो ब्रह्मा भी कालाबाधित है। वो ब्रह्मा भी कालाबाधित मतलब काल से बंधा हुआ है, बाधित है, मजबूर है, और उस ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, उस ब्रह्मा का भी शरीर समाप्त होता है। अभी ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष के आसपास चल रही है, जो काल गणनाकार है उनको पता है, इसलिए ज्यादा घमंड मत करना, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है वो तो ब्रह्मा की आयु के समान ऐसा है कि ब्रह्मा ने यूं चुटकी बजाई, ब्रह्मा के एक सेकंड का समय इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का होता है। इसलिए जब भगवान राम के वंशज मुचकुंद देवताओं के पक्ष में युद्ध लड़ने गए थे तो वो कुछ ही दिन वहां रहे होंगे, 7-8 दिन, जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर तो 1000 वर्ष गुजर चुके हैं और उनको पहचानने वाला कोई भी नहीं है, अनेक पीढ़ियां हो चुकी, सैकड़ों पीढ़ियां हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों, भगवान ने आपको आपकी नश्वरता और आपकी टेम्पररी होने का बोध कराने के लिए यह ब्रह्मा का उदाहरण इस गीता में रखा है कि 1000 वर्ष जब ब्रह्मा
इसके पृथ्वी के 1000 चौकड़ी युग जब गुजरते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, यानी 8,64,00,000 वर्ष जब आपके पृथ्वी पर गुजरते हैं तो ब्रह्मा का सुबह से शाम होती है। और इतनी उसकी रात होती है, रात कैसे होती है, जब पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है सब जीव, सारे जीव जो हैं वो ब्रह्मा में वापस जाके समा जाते हैं, सारे सप्तऋषि ब्रह्मा में समा जाते हैं, सारे तारे गण आप सारे नक्षत्र सब ब्रह्मा में समा जाते हैं। ऐसे ब्रह्मांड कई हैं जिनमें कई ब्रह्मा बैठे हुए हैं। एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, जैसे एक जिले का एक कलेक्टर होता है, एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, एक देश का एक राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री जो भी, तो एक ही ब्रह्मा एक ब्रह्मांड में होता है। जैसे एक ऑफिस में एक ही बड़ा बॉस होता है, ऐसे कई ब्रह्मा कई ब्रह्मांडों में है। तो फिर जब रात हो जाती है तो महाप्रलय हो जाती है, सारे जीव अव्यक्त सूक्ष्म रूप से चले जाते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री में जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है, जब प्रलय हो जाएगी तो अपन सब मुक्त हो जाएंगे। अरे मुक्त मुक्त होने वाले नहीं हो, सुप्त हो जाओगे। तुम जब ब्रह्मा जी की रात होगी तो 4,32,00,000 वर्ष तक सोए रहोगे, सोए 4,32,00,000 वर्ष तक, उसको ठीक कर लेना, 8,64,00,000 वर्ष 24 मतलब दिन और रात मिला के, तो 4,32,00,000 वर्ष तक तुम जो है ना बेहोश पड़े रहोगे, कोमा में रहोगे। और अगर परमात्मा से मिल जाओगे तो प्रति सेकंड तुम जागे रहोगे, तुम्हारा ओमा कोमा नहीं होगा, तुम अस्तित्व परमात्मा सच्चिदानंद में महान चैतन्य अवस्था में रहोगे, और ब्रह्मा भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा। इतना बड़ा पद सदगुरु दे रहे हैं जीवात्मा को, और उसके बदले में वो थोड़ा सा प्रेम या थोड़ा सा मतलब केयर या थोड़ी सी सेवा करने में उसकी नानी मरती है जीवात्मा की। इतना बड़ा पद दे रहे हैं तुम्हें ब्रह्मा का, इससे भी आगे सच्चिदानंद परमात्मा में रूपांतरित कर रहे हैं। वहां खड़े होने पर जैसे कबीर ने कहा है, ना तहां रात ना दिन, ना चंदा ना सूरज, है ना, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश है वो भगवान का, जहां ना रात है ना दिन है ना चंदा है ना सूरज है। क्यों कि जब एक ही नहीं है तो फिर दो कहां से आएगा, जब कुछ है ही नहीं है वहां, सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां पे क्या है। तो भगवान का जो ये वचन है इसको अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है वो कैसी है ये तुम देख ही लो कि तुम्हारी क्या हैसियत होगी जब तुम ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 4,32,00,000 वर्ष के बराबर होता है, और तुम्हारा जीवन कितना है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 100 साल तो बहुत कम लोग जीते हैं, 100 साल तो बहुत कम लोग जीते हैं, और ये ऐसा कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है कि हर आदमी सेंचुरी बना लेगा इसमें, यहाँ पर 100 साल नहीं जीते, और जीते भी हैं तो फिर 80-85 साल बाद वो कोई जिंदगी जिंदगी नहीं होती है, ना आंख से दिखे ना कान से सुना जाए ना मुंह से कुछ खा सकते हो, दांत तो 60-65-70 में ही चले जाते हैं, नकली दांत दूसरों के लगा लोगों के हड्डे कुड्डे चबा रहे हो, ना ढंग से स्वाद आ रहा है, ना पेट में भोजन पच रहा है, ना ठीक से ब्लड प्रेशर है, ना ठीक से दिल धड़क रहा है, बार बार डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हो, जीवन भर की कमाई उनको समर्पित कर रहे हो, है ना, और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हो, 2-2, 5-5 हजार रुपए महीने की दवाइयां खा रहे हो, लेकिन इस मोटे शरीर को बचाने के लिए तुम सब कुछ करते हो, लेकिन भगवान से मिलने के लिए सदगुरु को कभी 1 किलो सेब फल नहीं खिला सकते हो कि गुरु महाराज को फल खिला दे, है ना। तो एक कहावत है कि चोर का धन मोरी में जाता है, या तो शराब की दुकान पे जाता है, या वो नाचने वाले के पास जाता है,
इसलिए जो मेरे भक्त और मेरे प्रेमी हैं, वो अत्यंत शुद्ध लोग हैं। वो उनका जो धन है, उनकी जो सेवा है, वो गाय के दूध के समान है। और जो पापियों का पैसा मेरे लिए जो है वो सुअर के मांस के समान है। तो सुअर का मांस तो कोई सज्जन आदमी खाएगा नहीं। पापियों का पैसा हमको नहीं चाहिए। हमारे गरीबों का, हमारे गरीब शिष्यों की सूखी रोटी हमको बादाम से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए परमात्मा सदगुरु तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, इसका कभी मूल्य नहीं रखते। तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है, इसका महत्व रखते हैं। कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो या मैं जाना। ये तुम्हारे इस किताब में पढ़ पढ़ के जो पाड़ा भैंसा हो गए और सींग ले लेके जो गुरुओं को मारने दौड़ रहे हैं, किताबों के शब्द ले लेके, इन पाड़े भैंसों से कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। जिसमें प्रेम हो वो बिना पढ़ा लिखा भी होगा ना तो भगवान उसमें प्रकट हो जाता है। कबीर साहब किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, मीरा ने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी थी, दादू नानक पलटू रविदास ये किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे। ये तुम्हारी पढ़ाई मढ़ाई तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा धन ऐश्वर्य तुम्हारे पास रखो, परमात्मा केवल और केवल तुम्हारे अंदर के प्रेम से प्रसन्न होता है। तुम्हारे तर्क करने से, शास्त्रार्थ करने से, किताबें पढ़ने से, बड़े बड़े और ऑडिटोरियम में बैठकर भाषण देने से, और तुम्हारे पूरे संसार तुमको पालकी में बिठाल के घुमा रहा हो, तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर के आदमी हो, तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर के आदमी हो, मैं मानता हूं। एक पक्षी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का आदमी होता है, उसको तुमको तो पासपोर्ट और वीजा लगता है, पक्षी को तो पासपोर्ट और वीजा भी नहीं लगता, वो तुमसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए अगर तुम मेरी बात कान खोल के सुन रहे हो तो इतना सुन लेना कि परमात्मा से प्रेम करो और संसार के पदार्थों से उतना ही मतलब रखो जितना कि मतलब तुम अपनी कार और मोटरसाइकिल से रखते हो। जब तुम कहीं जहाज से आते हो, बाहर गाड़ी पार्क करके गैरेज में रख के अपने घर में चले जाते हो, बाथरूम में और सोने की जगह में कार लेकर नहीं घुसते हो आप। इसलिए संसार एक तरह से, संसार के सामान साधन इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इतने मरो मत खटो मत कि उस पैसा भी एक साधन है, उसमें कमाने में पूरा जीवन बर्बाद मत करो। अगर कहीं कुछ कमाना है तो अंदर का बोध, अंदर की समझ, अंदर का जागरण, अंदर का होश, परमात्मा को देखने की क्षमता, जानने की क्षमता, अपने अंदर मौजूद जो अमर तत्व है, जो मरने पर मरता नहीं, जन्म लेने पर जन्मता नहीं, उस अमर तत्व को इस शरीर के गिरने के पहले, मृत्यु के पहले जान लो, वरना ब्रह्मा भी हो जाओगे। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में बोला कि नचिकेता ने यमराज से कह दिया मुझे ब्रह्मा भी नहीं होना, ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, ठुकरा दिया। और तुम तो ऐसे हो कि जरा सा पार्षद बनने के लिए मरे जाते हो, जरा सा एमएलए एमपी बनने के लिए मरे जाते हो, पता नहीं कितना झूठ कपट पाखंड क्राइम तुम इनको, इन पदों को प्राप्त करने के लिए करते हो, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम कोई प्रयास नहीं करते। तुम किसी अधिकारी को खुश करने के लिए खूब घूस दोगे, उसके आगे पीछे नाचोगे, वो चाहेगा वो दोगे, लेकिन तुम सतगुरु को के पास कभी ये नहीं सोचोगे कि चलो मेरे सत, चलो किसी सतगुरु ब्रह्मवेत्ता संत को अपन एक समय के भोजन की व्यवस्था कर दें। यहां भारत में जो सच्चे ब्रह्मवेत्ता और सतगुरु हैं, वो उनको काम करना पड़ता है, वो भूखों मर रहे हैं, उनको काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? वो नहीं चाहते कि पापियों का सुअर के मांस जैसा धन मूल्य ले, उनको उनको काम करना पड़ता है, और बड़ी खुशी से काम करते हैं। लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो ढोंगी ढांगी हैं उनके तो हजारों आश्रम बन गए, और वो तुम्हारे समान
जैसे तुम नेता बन जाते हो ना, मिनिस्टर बन जाते हो, जगह जगह जमीन खरीदते हो, मकान खरीदते हो, काला धन जमा करते हो स्विट्जरलैंड के बैंक में, ऐसा वो भी करते हैं, उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है, वो भी प्रोफेशनल हैं, तुम भी प्रोफेशनल हो, लेकिन ब्रह्म वेत्ता तो नॉन प्रोफेशनल है, वो तो सिर्फ परमात्मा का बोध कराना चाहता है। वो तो नंगा भी रह सकता है, बिना वस्त्र के रह सकता है, वो तो पेड़ के नीचे भी रह सकता है, और तुम तो चाहते ही हो। ब्रह्म वेत्ताओं को तुम्हारा बस चले तो हिंद महासागर में फेंक आओ तुम, इतने तुम अंधे हो गए हो, इतने तुम्हारे अंदर जो है चुनाव करने की क्षमता खत्म हो गई है। नश्वर को चुनते हो, शाश्वत में लात मारते हो, इसलिए इंद्रियों के विषयों को चुनते हो, और अतीन्द्रिय परमात्मा जो 100 वर्ष तक तुम्हारे अंदर रहता है उसको नहीं जानते, उसकी कोशिश नहीं करते हो जानने की, और इसी कारण से तुम जिसको चुनते हो अब वैसे ही गुरु तुमको मिल जाते हैं, गुरु घंटाल, और फिर तुमको बाहर की साधना में करा करा के मार डालते हैं, पाड़ा और भैंसा बना देते हैं। इतने मंत्र जपो, इतने तीर्थ करो, इतने व्रत करो, यहाँ इतना चढ़ाओ, वहां उतना चढ़ाओ, इस कथा में इसकी शादी हो रही है, उस कथा में उसका जन्म हो रहा है, सोने का जेवर चढ़ाओ, साड़ी चढ़ाओ, ऐसा करो, बर्तन चढ़ाओ, है ना, गरुड़ पुराण पुराण कराओ, घर में कोई मर जाए तो गरुड़ पुराण करवाते हैं, और फिर सब कुछ देते हैं, बिस्तर, बर्तन, कपड़ा, आसन, पैरों के चप्पल, कहते हैं उसको मिलेगा। अरे गुरु नानक हरिद्वार में स्नान कर रहे थे तो जोर जोर से पानी फेंक रहे थे, तो एक पंडित ने पूछा ये पानी कहाँ फेंक रहे हो, बोले मेरे पंजाब में खेत सूख रहे हैं, उनको सींच रहा हूं। तुम पटने ने कहा कि अकल है, यहां से पंजाब पानी कैसे पहुंचेगा, खेत कैसे सींचेगे? तो गुरु नानक ने कहा जब तुम यहां से पितरों को जल दे देते हो, तर्पण कर देते हो, यहां से पितर लोग पहुंच जाता है तो वो तो बहुत दूर है, पंजाब तो बहुत पास है, तो तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है, तुमको पता नहीं है कि परमात्मा जो अंदर बैठा है उसका तो तुम तिरस्कार करते हो, उसकी जो बात करता है उसको तो तुम महत्व नहीं देते हो, और तुम्हारे जो जो इंद्रियों के जो देवी देवता तुम बना लिए, और इंद्रियों के हिसाब से तुमने जो कल्पनाएं बना ली है ना, उन कल्पनाओं के उन कल्पना के पोषण के लिए तुम लाखों करोड़ों खर्च करते हो। अब मेरी एक बेटी है, वो कह रही थी कि गुरुजी शरीर के इलाज के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन मन बुद्धि बीमार पड़े उनके कोई खर्च ही नहीं करते, उनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि की का इलाज तो केवल सदगुरु कर सकता है, मन बुद्धि से पार तो सदगुरु ले जा सकता है। तुम्हारा मन तो, तुम तो इतने बड़े मनोरोगी हो कि तुम्हारी धारणाओं के खिलाफ कोई बोल दे तो उसको मार डालो, धर्म के नाम से लोगों की हत्या कर देते हो, और तुम ना तो वो धर्म है तुम्हारा ना ये धर्म है तुम्हारा, वो भी तुम्हारी कल्पना है और ये भी तुम्हारी कल्पना है, खूना खच्चर कर रहे हो ये भी गलत है, और तुम्हारी बात किसी ने काट दी चूंकि तुम्हारा वो कल्पना का सारा तुम्हारी मान्यता थी, वो किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उसको मार डालते हो, इसलिए तुमने ज्ञानियों को मार भी डाला आज तक, बहुत सारे ज्ञानी तो मारे गए तुम, क्योंकि वो तो सत्य बोलते हैं, तुम लोगों से डरते तो है नहीं, तो ज्ञानियों का संरक्षण करते नहीं, उसका तुम पाप भोग रहे हो कि ज्ञानियों का ज्ञानी की बात नहीं मानते हो, अज्ञानी तुम्हारे गुरु बने हैं। जैसे कोई मान लीजिए कहीं सड़क बना रहा हो, या कहीं कोई नहर निकाल रहा हो, या कहीं कोई बिल्डिंग बना रहा हो, और जो जानकार आदमी है उसकी बात नहीं माने और मूर्ख की बात माने तो वो तो पुल गिरेगा सड़क पे बना हुआ, वो तो बिल्डिंग गिरेगी, क्योंकि तुमने जो जो सही जो जानकार था उसका तो तिरस्कार कर दिया। ऐसे समाज में तुम ज्ञानियों की तो बात नहीं मानते हो, अज्ञानियों का मार्गदर्शन तो तुम समाज चला रहे हो, इसलिए तुम्हारे समाज में क्राइम है, इसलिए तुम्हारे समाज में प्रेम नहीं है, इसलिए तुम्हारे समाज में दुख है, इसलिए तुम्हारे समाज में पागलपन है, इसलिए तुम्हारे समाज में लोगों को एक दूसरे को लोग सता रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, क्योंकि तुम ज्ञानी की बात नहीं मानते हो, है ना। इसलिए भैया जो लोग यहाँ पर हैं वो ब्रह्मलोक पर्यंत से भी आगे जाने वाले हैं, उनको परमात्मा का डायरेक्ट साक्षात्कार होगा जो ध्यान करेंगे उनको, और जो जो इधर परमात्मा की बात के अलावा और अन्य छोटी मोटी चीज में समझौता कर लेंगे वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, चुनाव तुम्हारा, चयन तुम्हारा है, और ध्यान करोगे भगवान का
और अंदर परमात्मा जो मौजूद है, अगर उसको तुम जान लोगे तो तुम्हारा ब्रह्म लोक से भी आगे का तुम्हारा तुम्हारी वो हो जाएगी स्थिति, और फिर दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तो नहीं तो फिर चार अरब 32 लाख वर्ष तक ब्रह्मा के पेट में पड़े रहना, बेहोश हो गए। शिव हम शिव।